أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كتاب الفوائد امام ابن القيم رحمه الله كي شاندار كتابو میں سے ایک شاندار کتاب जो हमारा मौजू चल रहा है उसका ताल्लुक़ काफ़ से है काफ़ जो छब्बीसवें इस बारे में है और जो हमारा आखिरी दरस था उसमें तस्करा हो रहा था काफ़ की आयत नंबर थर्टी वन थर्टी टू थर्टी थ्री का और इन आयत में ये बताया गया है कि जन्नत मुत्तकी लोगों के क़रीब कर दी जाएगी तो वो कौन हैं मुत्तकी लोग जिनके जन्नत करीब कर दी जाएगी उनके औसाफ क्या हैं तो यहाँ पे उनके चार औसाफ जिक्र किए गए चार उनकी जिक्र की गई चार उनकी ख़ूबियाँ ज़िक्र की गई नंबर एक अल्लाह की तरफ़ बहुत ज़्यादा रजू करने वाले नंबर दो शरीयत की अल्लाह के अहकाम की अल्लाह की, अल्ला की तरफ़ से वाजब करदा अमूर की हिफाज़त करने वाले पाबंदी करने वाले और नंबर तीन मन ख़शी और मनखशीरहमाना बिलबी अल्लाह रबुल्ज़त को देखे बग़ैर अल्लाह रब्ज़त से डरने वाले और आज तस्करा होगा चौथे वसफ़ का चौथी लामत का चौथी ख़ूबी का ये रह गई थी और सफ़ा नंबर उस एडिशन के मुताबिक जिसके महक् मोहम्मद उज़ैर शम्स हैं सफ़ा नंबर है, है अठारह एटीन और वो एडिशन जिसके महक् हैं डॉक्टर अब्दुलबासत अलमशाह इसके मुताबिक सफ़ा नंबर बनेगा उनचास फोटी नाइन तो आइए अब पढ़ते हैं किताब का बयादा आगाज़ करते हैं इमाम साहब कहते हैं अर्रब्या जिनके चौथी सिफ चौथा वसफ़ उन लोगों का जिनके जन्नत करीब कर दी जाएगी कौल हो अल्लाह ताला का फरमान है वजा अब क़लब मुनीब और जो आया रजू करने वाले दिल के साथ यानी कि जन्नत जिन मतकी लोगों के करीब कर दी जाएगी उनके औसाफ क्या है नंबर एक अल्लाह की तरफ बहुत ज़्यादा रजू करने वाले नंबर दो अल्लाह के अकाम की शरीयत की हिफाजत करने वाले नंबर तीन बिन देखे रहमान से अल्लाह से डरने वाले नंबर चार ऐसा दिल जो रजू करने वाला हो किसकी तरफ़ अल्लाह की तरफ अल्ला क़ल हो तो चौथे नंबर पर जो वसफ़ है जो अलामत है जो ख़ूबी है वो अल्लाह का ये फ़रमान है कि वजह अब कल्बी मुनीब और आया रजू करने वाला दिल लेकर क़ाला इबन जनाब अब्दुल्ल्या इबिन अब्बास कहते हैं यानी कि इस लफ्ज़ की तफसीर में अब्दुल्ल अबिन अब्बास कहते हैं राषिल्ल मकबिल्ला जो अल्लाह की नाफरमानियों से रजू करने वाला हो अल्लाह की इताद की तरफ मुतव होने वाला हो कल्ब मुनीब किसे कहते हैं रजू कर देने रज़ू करने वाला दिल किसे कहते हैं अब्दुल्ला बिन नबाज़ कहते हैं रा जो रज़ू करने वाला हो अल्लाह की नाफरमानियों से यानी कि अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ देने वाला हो मकबल्ला कीतात की तरफ मुतव होने वाला हो उसकी तरफ बढ़ने वाला हो वह वकीकत अनाबा रकूफुल्कल बला कतिल्ला व मोहब्बत ही वकबाल आलही लफ्ज़ जो मुनीब है ये माखूद है किससे इनाबत से लफ्ज़ इनाबत से इनाबा तो इसलिए इमाम साहब हमें बता रहे हैं कि इनाबा का असल माना क्या होता है कहते हैं वकीकत इनाबा लफ्ज़ इनाबा की हकीकत क्या है वक़ूफ़लकलबी दिल को रोक कर रखना दिल को जमा कर रखना किस बात पर अल्लाह की इत पे व मोहब्बत ही और उसकी मोहब्बत पे वाल आलही ही और उसकी तरफ़ मुतवज़े होने पे, यानी कि अल्लाह की इताद करना और दिल को इसी पे रोक लेना उसको इससे हटने ना देना दिल में अल्लाह की मोहब्बत बैठा लेना और दिल को उस पे रोक लेना दिल को उस पे जमा देना उसको इससे हटने ना देना वलीबा आलही दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे कर देना और दिल को इस तवज्जो पे रोक लेना उसको इससे हटने ना देना ये क्या है ये है इनाबत उसके बाद आयत नंबर चौंतीस थर्टी फोर उद खलू हा अबी सलामिकलूद क्या माना है सैद का उद खुलू तुम दाखिल हो जाओ यानी कि अल्लाह अल्ला रबुल्ज़त उस दिन मुत्तकी लोगों से कहेंगे या अल्लाह ताला की तरफ से कहा जाएगा कि उद तुम दाखिल हो जाओ हा इसमें किस में इस जन्नत में वी सलामिन सलामती के साथ क्या मतलब है सलामती के साथ इमाम इबलक्यम रिम्ह ने भी सलामिन की यहाँ पर वजाहत नहीं की तो क्या वजाहत है इसकी के सलामती के साथ यानि कि जन्नत में दाखिल हो जाओ इस हाल में कि तुम्हें कोई फिक्र नहीं कोई टेंशन नहीं कोई गम नहीं सलामती के साथ दाखिल हो जाओ और दूसरा मतलब इसका ये भी है कि जन्नत में दाखिल हो जाओ इस हाल में कि हर तरफ़ से अल्लाम उम की आवाज़ आएगी अल्लाह ताला तुम्हें कहेगा असल अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे अल्लाम खलूद ये हमेशा रहने का दिन है मौत नहीं आएगी ये खतरा नहीं है कि मुस्तबल में क्या होने वाला है जन्नत में रहना है और हमेशा हमेशा जन्नत में रहना है लहुम्मा यश ऊन फी हा वद मजीद उनके लिए होगा किन के लिए अहले जन्नत के लिए मुतकी लोगों के लिए क्या होगा उनके लिए मा जो यश ऊना वो चाहेंगे फी हा इसमें किसमें जन्नत में वाला दीना मजीद और हमारे पास कुछ मजीद भी है ये एत नंबर कौन सी थी पैंतीस थर्टी फाइव यानी कि यहाँ पे दो बातें बताई गई हैं अहले जन्नत के लिए जन्नत में क्या है जो वो चाहेंगे जिस चीज की ख्वाहिश करेंगे उन्हें मिलेगी जैसा कि अल्लाह तर मुकाम पर कहा वालकुम फ़ी हा मा तशत ही अनफ सुकुम वालकुम फ़ी हा मा तदाउन और साथ क्या वलदीना मजीद और हमारे पास कुछ मजीद भी है वो मजीद क्या है मजीद में सबसे बड़ी चीज़ जो दाखिल है जो इससे मुराद है जो इससे मकसूद है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के चेहरे का दीदार है और यकीनन अहले जन्नत के लिए अहले ईमान के लिए जन्नत से बढ़कर जो नियमत है वो अल्लाह इज़्ज़त के चेहरे का दीदार है अल्लाह ताला मुझे और आप सबको उनमें से बनाए जो बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे और अल्लाह इज़्ज़त के करीम चेहरे का दीदार करेंगे उसके बाद आयत नंबर छत्तीस थर्टी सिक्स क्या आयत है ये वकम अहलकना नबल हम कर्न हम अशद मिन हम बख्शा फनक कबूफिल बिलाद हलम महीस और कितनी ही ऐसी नस्लें हैं ये कुरान की आयत आपके सामने आ चुकी और कितनी ही नस्लें हैं जो इनसे ज़्यादा सख्त थी पकड़ के लिहाज से गिरफ्त के लिहाज से यानी कि ऐसी ऐसी कौमें गुजरी हैं जो नबी सात अलीसम की कौम से ज़्यादा क़वत वाली थी आपकी कौम से ज़्यादा ताकत वाली थीं मिसाल के तौर पर नू आम की कौम कौम आद हूद इस्लाम की कौम कौम समूद साल आलाम की कौम फिराउन की कौम जिनकी तरफ मूसा इस्लाम को भेजा गया तो अल्लाह तला फनमारे इन अवामाम को जो ताकत में इनसे कहीं आगे थी आपने मदे मुकाबल को पकड़ने के लिहाज से इनसे कहीं आगे थी लेकिन हमने उनको ने नबूद करके रख दिया तबाह बर्बाद करके रख दिया फनकबूफुल बिलाद वो उन्होंने शहर के शहर छान मारे लेकिन में महीस क्या कोई भागने की जगह उनको मिली नहीं मिली तो ये वार्निंग है किन के लिए कुरैश के लिए अहल मक्का के लिए और जो उनके रास्ते पे चलें उन सब के लिए वार्निंग है तो इमाम कहते हैं सुम्फ़ा हूं फिर अल्लाह ताला ने उनको डराया खौफजदा किया किस चीज़ से डराया कैसे खौफज़दा किया भी युसीब हूँ की माँ असबा मन अल्लाह ने उनको डराया इस बात से कि बेसीब हम कि उनको सामना करना पड़ेगा मिनल हला की हलाकत का हलाकत में से उनको सामना करने करना पड़ेगा उस चीज का असाब अमन कबल हम जिसका सामना करना पड़ा उनको जो इनसे पहले थे तो अल्लाह ने खबरदार किया है नबी असल्लाम की तकदीब करने वालों को आपका मदाक उड़ाने वालों को आपके दीन का मदाक उड़ाने वालों को कि तुम्हें ऐसी हलाकत का सामना करना पड़ेगा जैसी हलाकत का सामना करना पड़ा उन लोगों को जो तुमसे पहले थे युसी बहुम के लफ्जी मैंने क्या है कि इनको पहुंचेगा इन पे पहुंचेगी हलाकत इन पे आएगी और आसान लफ्जों में हमने क्या कहा है कि इनको सामना करना पड़ेगा उस किस्म की हलाकत का जिस किस्म की हलाकत का सामना करना पड़ा उनको जो इनसे पहले थे व अन नम कान अशद बख्शा अल्लाह ने डराया नंबर एक इस चीज से कि इनको हलाकत का सामना करना पड़ेगा जैसी हिलात का सामना करना पड़ा उन लोगों को जो इनसे पहले थे नंबर दो ये बताकर अल्लाह ने डराया कि वह अन नम कानू और बेशक वो वो कौन जो इनसे पहले थे वह अन हम कानू के बेशक वो थे अशद्दा ज्यादा सख्त मिनहुम इन से बख्शन पकड़ के लिहाज से अपने मद्दे मुकाबल को दुश्मन को पकड़ने के लिहाज से वलम लम यदफा अनहुमला का श्दत बख्श हिम और उनकी सख्त पकड़ पकड़ने लम यतफा अनहुम उनकी सख्त पकड़ उनसे दूर ना कर सकी किसको को अललाक हलाकत को लम यतफा ना दूर कर सकी ना हटा सकी उनसे किन से उन पहले लोगों से उनसे दूर ना कर सकी अल्लाक हलाकत को कौन सी चीज दूर ना कर सकी शिदत बक्सीम उनके सख्त पकड़ यानी कि वो पकड़ के लिहाज से बड़े सख्त थे बड़ी कुवत वाले थे लेकिन उनकी ये कुवत उनके काम नहीं आई जब अल्लाह की तरफ से अजाब आया जब अल्लाह ने उनको हला करना चाह व तीसरे नंबर पे अल्लाह ने उन्हें डराया किस चीज़ से कि वह अन के बेशक वो वो कौन वो पहले लोग वह अन हम इन बेशक वो हलाकत के मौका पे तकलबू वो फिरे वकाफू और घूमें फिलबिला शहरों में हल यज़दून न क्यों घूमे शहरों में क्यों चक्कर लगाए इन्होंने क्या हल यीदू क्या वो पाते हैं महीसन को भागने की जगह व मंजन मिन अदाबल्ला और अल्लाह के अजाब से नजात पाने की जगह इस काम के लिए घूमे फिरे दाएं बाएं हुए महीसन भागने की जगह मंजन नजात की जगह قال कता इमाम कतादा कहते हैं कतादा बिन दयाम सदूसी बहुत बड़े मुफसर हैं ताबी हैं जनाब अब्दुल्लबिन अब्बास रज़ी नुमा के शगिदों में से हैं कहते हैं कि हाशा भागे, भागे आदा उल्ला के दुश्मन आदा अदू उनकी जमा है हा भागे आदा उल्ला के दुश्मन फवाजादू तो उन्होंने पाया अमरल्लाद्रिका उन्होंने पाया अल्लाह के हुक्म को मुराद के अल्लाह का जाब उन्होंने पाया अल्लाह के हुक्म को अल्लाह के अजाब को कि लहो मुद्रिका कि वो उनको पा लेने वाला है यानी कि उन्होंने देखा कि हम दाएं बाएं होने की कोशिश तो की है लेकिन अल्लाह का अजाब उसकी पहुंच से बाहर नहीं निकल सके अल्लाह का जाब हमें अपनी लपेट में लिए हुए है मुद्री पा लेने वाला अदरा का उसने पा लिया युद्रको पाता है मुद्रिकन पा लेने वाला वक़ाल जज्जाज और इमाम सजाज कहते हैं इमाम सजाज कौन है ये भी बहुत बड़े मुफसर हैं लेकिन कतादा तो ताबी थे जज्जाज बाद में आए है। ये हैं ये फौत हुए हैं 311 हिजरी में थ्री वन वन अबू इसहाक़ अजजाज बहुत बड़े मुफसर बहुत बड़े लुगवी इमाम हैं और इनकी किताब है मान व एराब हो क़ुरान का मान व मफ़ूम और क़ुरान का एराब तो ये इमाम जजाद कहते हैं कौफू कौफ़ू वो लोग गोमे इनके तफसीर कर रहे हैं किसकी हमारी वाली आयत की कि फ़नक फिल बिलाद तो इमाम सजात कहते हैं तवफ तवफु वो बहुत घूमे वफ़ तशु और बहुत उन्होंने जस्तजु की जस्तु किस बात की कि कोई जाए नजात मिल जाए भागने की जगह मिल जाए मौत से बचने की जगह मिल जाए तो तवू बहुत घूमे वफद तशु बहुत जस्तजू की फलम यरऊ मही सम मिनल मऊ थी तो उन्होंने ना पाया ना देखा मऊ से भागने की किसी जगह को मऊ से भागने की कोई जगह उनको नहीं मिली वह हकीक़त दारी का और इसकी हकीक़त ये है यानी कि ये जो आयत है और इस आयत में आया कि फ़नक कबू फिल बिलास इसकी हकीकत क्या है इसका सही मफहम क्या है कि किबू अल महरबाउती फ़लम यजिदो कि तला ने तलाश किया किस चीज को अल महरब मौती मौत से भागने की जगह को अल अलमहरब भागने की जगह महीस का मैंने अब यही भागने की जगह फलम यजीदू हो तो उन्होंने उसे ना पाया किसको को ना पाया मौत से भागने की जगह को ना पाया ऐसी कोई जगह ना मिली जहां पहुंचा जा सके और वहां पहुंचने की वजह से मौत से बच जाए ऐसी जगह नहीं मिली तो ये अल्लाह इज़्ज़त ने उन्हें डराया है कि वो डर जाएं अल्लाह ताला से अल्लाह के अजाब से तो ये उनके लिए क्या है ये उनके लिए बेहतर है उसके बाद बढ़ते हैं आयत नंबर सैंतीस की तरफ थर्टी सेवन और ये वो आयत है जिसका जिसकी कुछ न कुछ वजाहत हम किताबुल फायद के शुरू में पढ़ चुके हैं इसी से आगाज हुआ था क्या यह आयत है इन नीदिक रिमन काल बुन औसम अव शहीद आयत आप लोगों के सामने है कि इन्ना बेशक फी दी का इसमें किसमें जो कुछ अभी तक जिक्र हुआ है जो कुछ अभी तक शुरुआ में बयान बिया, किया गया है बेशक इसमें लदिक अलबत्ता नसीहत है लिमन ओ शख़्स के लिए कान लहू कल्ब जिसका दिल हो कल्बन दिल अलकसम जो कान लगाए वह हुआ शहीद इस हाल में कि वो हाज़र हो दिली तौर पर हाज़र हो दिली तौर पर मौजूद हो आइए अब देखें कि इमाम रह क्या कहते हैं कहते हैं सुम अकबर सुबह हो, फिर अल्लाह हो ने बताया है अन नफ़ी हादी दुकीरा बेशक इस में जिसका तस्करा किया गया है जो कुछ शुरह काफ में अभी तक बयान हुआ है जो कुछ आप लोगों को बताया गया है तो अल्लाह तताया अन नफ़ी हादी के बेशक इस मेंदी दुकी जिसका तस्करा किया गया है इसमें क्या है जिकरा बेशक इसमें जिसका तस्करा किया गया जिकरा नसीहत है लेमन का अंदर हो नहुकल्ब उसके लिए नसीहत है जिसका कोई दिल हो और हम पहले पढ़ चुके हैं कि कल्ब उनसे मुराद क्या है जिंदा दिल और ये तफसीर इमाम कतादा की भी है जैसा कि तफसी तबरी में आई है तफसी तबरी में इमाम कतादा का कौल मौजूद है वो कहते हैं यहां पर कल्ब से मुराद है जिंदा दिल यानी कि दिल तो हर इंसान में होता है दिल ना हो तो कोई जिंदा नहीं रह सकता लेकिन ये जो अल्लाह ने कहा है कि नसीहत उसको मिलेगी जिसका दिल हो इससे मुराद है जिसका दिल जिंदा हो मुर्दा ना हो यानी कि रूहानी लिहाज से जिंदा हो अलकसम या जो कान लगाए वह हुआ शहीद इस हाल में कि वो हाजिर हो शहीद का मैंने हाजिर है इसकी तफसीर में इमाम मुजाहिद कहते हैं शाहिदुल कल भी दिली तौर पे हाजिर हो तो आयत नंबर सैतीस पे इमाम ने को बहुत ज्यादा गुफ्तु नहीं की क्योंकि इस पे गुफ्तु पहले गुजर चुकी है अब हम बढ़ते हैं आयत नंबर अड़तीस की तरफ थर्टी एट वलक खलक वल और वमा बे नहुमाफ़ी सदती एम वमा मसना मिल और वलकद और अलबत् तहकीक़ नाम का मैना होता है अलबत् कद का मैंने तहकीक़ यानी कि यकीनी बात है पक्की बात है ये मफहूम है इन दोनों अलफा का कि यकीनी बात है पक्की बात है कि खलक ना हमने पैदा किया असमावती आसमानों को वलअा और ज़मीन को वमा माँ भई न और उन चीजों को जो इनके दरमियान में है किनके दरमियान आसमानों और जमीन के दरमियान तो इनको पैदा किया फी सिम इन छः दिनों में का मना क्या होता है छः वमा और नहीं वमा मसना मिलूब और हमें नहीं छुआ हमें नहीं मस किया हमें नहीं पहुंची मिलूब किसी किस्म की थकावट मिन जो है इसको कहते हैं जायदा ताक़ीद का मना देता है किसी किस्म की थकावट हमें नहीं पहुंची किसी किस्म की थकावट का हमें सामना नहीं करना पड़ा तो अब आइए इमाम रही की तरफ कहते हैं सुम्म अखबारा फिर अल्लाह ने बताया कि अन्नहु ख़लक असमावती वल अर्द के बेशक उसने पैदा किया आसमानों को वलअर्द और जमीन को मा बेना और उन चीजों को जो इनके दरमियान में है फीस इत्याम इन छह दिनों में वलम यमू और नहीं पहुँची उसको किसको अल्लाह ताला को त हु से मुराद अल्लाह बुरी इज़्ज़त वलम और लम का मतलब क्या होता है नहीं और नहीं वलमसहू नहीं पहुँची अल्लाह ताला को मिन तबिन कोई थकावट वाला ए और ना कोई बेबसी ना कोई थकावट पहुंची वाला या और ना कोई बेबसी यानी कि ऐसा नहीं कि अल्लाह तला अब आज आ गया हो बस होगी अल्लाह तला की ना थकावट हुई है और ना अल्लाह तजज आए हैं और ए, बेबस हो अच्छा तकरीबन ये तकरीबन जो लफ्ज़ है इसका ताल्लुक है शुरू के लफज से अखबारा से शुरू में है ना सुखबार इनके अल्लाह ने ये बात क्यों बताई है कि अल्लाह ने आसमान उज्म को छह दिनों में पैदा किया और अल्लाह ताला को किसी किस्म की थकावट का सामना नहीं करना पड़ा ये बात अल्लाह ने क्यों बताई है तकरीब झूठा करार देते हुए मिनल यहूदी अपने उन दुश्मनों को जो यहूदियों में से हैं अल्लाह ने अपने यहूदियों में से जो दुश्मन हैं उनको झूठा करार देने के लिए यह बात बताई है कि छः दिनों में आसमान जमीन को पैदा किया है और मैं कोई थका नहीं हूं क्यों भाई यहूदियों को झूठा क्यों करार दिया ये बात बताकर हैलू क्योंकि उन्होंने कहा था क्या कहा था कि इन न हो इस तरह हाफिल यो मिसाब के, के अल्लाह ताला ने आराम किया सातवें दिन में तो अल्लाह ने बताया कि वलम ये मसूबिन अल्लाह ने बताया कि मुझे छः दिनों में आसमानों ज़मीन को पैदा करके किसी किस्म की थकावट का कोई सामना नहीं करना पड़ा कोई मसला पैदा नहीं हुआ तो इसे पता चला कि यहूदी झूठे हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाह इज़्ज़त ने आसमान ज़मीन को छः दिनों में पैदा किया और सातवें दिन में क्या किया आराम किया ये बात करने में वो ग़लत हैं और झूठ से काम ले रहे हैं और ये बात तो रात में मौजूद है तो रात क्योंकि उस तो रात में उन्होंने बड़ी तब्दीलियां की हैं तहरीफ से काम लिया है तो इसलिए बात तो रात में मौजूद है कि अल्लाह रबुल इज्जत ने सातवें दिन आराम किया तो अल्लाह रबुल इज्जत पाक है इस बात से कि अल्लाह तला को थकावट का सामना करना पड़े या आराम की जरूरत महसूस हो उसके बाद आयत नंबर उनतालीस थर्टी नाइन वो क्या आयत है फसबिर आला मा कुल वसब बेहमदरब के कबल तलोअ शमसी वबलूब फसबिर बस आप सब्र करें अला मा यकूलून उस पे जो वो कहते हैं यानी कि जो जो बातें आपके खिलाफ करते हैं या दीन के खिलाफ करते हैं आप सब्र कीजिए वसभ्य बेहमद रब्बी का और वसभ्य और तस्बीह बयान कीजिए बेहमदी रब्बी का आपने रब की हमदोसना के साथ साथ तस्बी और हमदोसना एक साथ कबलोशमसी सूर निकलने से पहले वबलूब और सूरज गलूब होने से पहले उसके बाद ऐत नंबर चालीस भी पढ़ लें साथी यानी कि ऐत नंबर फोर्टी, वमिनल ले और रात के कुछ हिस्सों में भी फसब बेहू बस आप उसकी तस्बी कीजिए किसकी अल्लाह की, अल्ला की। वह अदबार सजूद और सईदों के बाद में भी अदबार दुबर की जमा है दुबर पिछले हिस्से को कहते हैं तो सईदों के बाद भी अब आइए इमाम की तरफ कहते हैं सुम हो, फिर अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया आपको किसको बल्कि मैं नीचे आ गया हूँ थोड़ा सा ऊपर जाइए सुम अमरा नबी यू बसीब भी सुब अमर नबी यहू बित्त अस्सी बिही फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है नबी यहू अपने नबी को बित अस्सी बिही सुबह नहू अपनी इक्तदा करने की बिही सिमरात कौन है खुद अल्लाह रबुल इज्जत इनके अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया है कि अ मेरे नबी आप मेरी इक्तदा करें किस मामले में सब्र करने के मामले में सुम अमरा फिर अल्ला ने हुक्म दिया नबी वो अपने नबी को असी भी ही अपनी इक्तदा करने की फिर सबरी सब्र करने के मामले में सब्र किस बात पर आला मा य आदा सब्र उस मामले में जो कुछ कहते हैं आदाहू आप के दुश्मन फ़ी ही आपके बारे में मिसाल के तौर पर आपको क्या कहते थे मजनून नाऊदबिल्ला मैंटल जादूगर कभी आपको कहते हैं काहिन, कभी कहते कि कुरान अपनी तरफ से घड़ा है तो ये सारी बातें ऐसी थीं जिनसे आपको तकलीफ़ होती आप परेशान होते जहर है कि आप इंसान थे तमाम इंसानों में सबसे आला थे लेकिन थे इंसान तो इसलिए ऐसी बातें सुन के आप परेशान होते आप का दिल तंग हो जाता तो अल्लाह ताला ने आपको यहाँ पे क्या हुक्म दिया है कि आप ऐसे ही सब्र कीजिए जैसे अल्लाह रब्बुल रबुल्ज़त सब्र करता है उन बातों पे जो अल्लाह के ख़िलाफ़ ये अल्लाह के बंदे करते हैं मखलूक होकर खालक के ख़िलाफ़ बातें करते हैं क्या बातें करते हैं मिसाल के तौर पे ये कहते हैं कि ईसा आलाम अल्लाह के बेटे हैं ये अल्लाह रबुल्ज़त के बारे में ये बात करना बहुत बड़ा जुर्म है क्योंकि अल्लाह ताला कमज़ोर नहीं है इंसान कमज़ोर है जो औलाद का महताज है तो इंसान मुकम्मल होता है किसके साथ फैमिली के साथ वाइफ उसके पास वाइफ हो बेगम हो उसके पास बच्चे हों तब इंसान मुकम्मल है जिसकी शादी नहीं होती वो भी अपने आप को गैर मुकमल समझता है जिसकी शादी हो जाए औलाद ना हो वो भी अपने आप को गैर मुकम्मल कमज़ोर समझता है लेकिन अल्लाह इज़्ज़त के बारे में कहना कि अल्लाह ताला औलाद है ईसा इसम्ह के बेटे हैं या अल्लाह की बेटियां हैं ये अल्लाह ताला को बुरा भला कहने के मुतरदफ है अल्लाह ताला को ऐसी बातें करना ये ग़लत है ऐसे कहना कि अल्लाह के, अल्ला के शर्क हैं कौन कब्रों वाले बुज़ुर्ग बिया फौज शुदा बियालातलाम यानी कि जैसे अल्लाह से दुआ की जाती है गैबाना तौर पर ऐसे ही इन से गैबाना तौर पर दुआ करना दुआ इबादत है ये इनको अल्लाह के साथ शरीक करना है तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी से कहा कि आप ऐसे ही सब्र करें जैसे मैं सब्र करता हूं आप देखिए नबी फिर अल्लाह ने हुक्म दिया अपने नबी को भी, भी ही अपनी इक्तदा करने का फिर सबरी किस मामले में इक्तदा करने का सब्र करने के मामले में किस चीज पर अला मा अलाकुल उस चीज पर जो कहते हैं उन अल्फाज पे जो कहते हैं आदाओ आपके दुश्मन फी ही आपकी ज़ात के बारे में कमा अल्लाू सुबहानह जैसे अल्लाह अल्लाबहानह ने सबर सबर किया अला कौल यहूदी यहूदियों की इस बात पर इन नहू इस तरह के बेशक अल्लाह ने आराम किया है कि छह दिन आसमान को पैदा किया साथ में आराम किया ये अल्फाज के अल्लाह ने आराम किया ये जुर्म है वला अहद असबर और नहीं है कोई भी असबरु ज्यादा सबर करने वाला अला अलाअन यसमा उस तकलीफ पे जिसको वो सुनता है उस पे कोई नहीं है ज्यादा सबर करने वाला मिनहू अल्लाह से बढ़कर, कर मिनहू अल्लाह से तो अल्लाह से बढ़कर उन अलफात पे सबर करने वाला जो अल्फाज वो सुने अल्लाह से बढ़कर ऐसा कोई नहीं है यानी कि को पता भी हो कि आपके बारे में कुछ बातें की जा रही हैं और बातें क्या हैं तकलीफ़ पहुंचाने वाली वो सुनकर आप सब्र करें इस मामले में अल्लाह से आगे कोई नहीं है क्या दलील है कि इस मामले में अल्लाह से आगे कोई नहीं है दलील काफरों का दुनिया में रहना बल्कि मुसलमानों से ज़्यादा कौन है काफिर और हर काफिर तकरीबन अल्लाह तला को बुरा भला कहता है अल्लाह के साथ किसी और को शरीक करता है तो ये अल्लाह ताला को बुरा भला कहना है किसी को अल्लाह का बेटा बेटी किरार देना अल्लाह को बुरा भला कहना है किसी को अल्लाह का शरीक बनाना अल्लाह को बुरा भला कहना है ये काम सुबह शाम हो रहा है और फिर भी ऐसे लोग जिंदा हैं अल्लाह की ज़मीन पे फिर हैं अल्लाह उनको रिजक देता है अल्लाह उनको बेटे देता है अल्लाह उनको माल देता है अल्लाह उनको जिंदगी दे रहा है फौरन अल्लाह उनको पकड़ता नहीं है अल्लाह उनको फौन मुआवजा नहीं करता फ़ौर अल्लाह उन पर अजाब नहीं भेजता तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह तला किस कदर सब्र करने वाले हैं तो अल्लाह ने अपने नबी से कहा है कि आप भी ऐसे ही सब्र कीजिए ये जो आखिरी अल्फाज हैं कि वला आहदा असबरू अला अदन यसमा मिनहू नहीं है कोई अल्लाह से ज्यादा सब्र करने वाला उस तकरीब बे तकरी वाले उन अलफा पे जिनको वो सुनता है ये हदीस के अलफा हैं ये हदीस के अलफा हैं बल्कि ये किताब जो शेख उजैर शम्स वाली है इसका आप देखें हाशिया नंबर दो तो वहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये हदीस के अफाज़ हैं जिन रवायत के इमाम बुखारी ने और नंबर भी लिखा हुआ है छः हज़ार नन्यानवे सिक्स ज़ीरो नाइन नाइन और इमाम मुस्लिम ने भी रिवायत किया है नंबर है 2804 हज़ार आठ सौ चार टू एट जीरो फोर और आवी कौन तो अब मसाशरी के वो अल्फाज जो मुस्लिम शरीफ में आए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि मा असबरा अला अदा इसमा नहीं है कोई भी अल्लाह से ज़्यादा सब्र करने वाला उन तकलीफ़ देने वाले अल्फाज पे जिनको अल्लाह सुनता है इन नजालू लहू निद्दा, वो अल्लाह ताला का किसी को शरीक बना देते हैं वह यजालू लहू वलदा, किसी को अल्लाह का बेटा करार देते हैं वह व मदारिका इस सब के बावजूद अल्लाह ताला यम उनको रिजक देता है वही आफ़ीम और उनको आफियत देता है सेहत देता है युतीहिम और तरह तरह की उनको नियमते देता है अच्छा यहाँ पे एक तो मैं ये ऐलान करना चाहूँगा कि आइंदा जो दर्स हमारा होगा किताबीद का भी और किताबल फ्फवाद का भी उसका टाइम तब्दील किया जा रहा है यानी कि आज कल जिस वक़्त दर्स हो रहा है उस वक़्त से आधा घंटा पहले दर्श शुरू हुआ करेगा यानि कि सऊदी वक़्त अगर आप ले लें तो साढ़े सात बजे दर्स हो रहा था सात बजकर तीस मिनट पर तो आइंदा दर्स हुआ करेगा सात बजे यानी कि आधा घंटा पहले ए, बाकी जब आपके पास लिंक आया करेगा तो उसमें वक़्त लिखा होगा कि अगर आप सऊदिया में रहते हैं तो दर्स का वक्त कौन सा है पाकिस्तान में रहते हैं तो वक़्त कौन सा है इंडिया में रहते हैं तो वक्त कौन सा है और ये वक़्त इसलिए तब्दील किया गया कि सऊदिया में रहने वाले जो हमारे भाई हैं उन्हें नमाज अदा करने में दर्स की वजह से मसला हो रहा था और दूसरे नंबर पे अभी मैं देख रहा हूँ कि ग्रुप में वो डाल दिया गया है तर्जमा जो दर्श आज हम ले रहे हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसकी ट्रांसलेशन ग्रुप में डाल दी गई है आगे बढ़ते हैं सुम अमराहू फिर अल्लाह ताला ने अमर आपको हुक्म दिया आपको यानी कि नबी अलीस्त उसम को हुक्म दिया किस चीज का सुम अमरू बीमा भी यीन बिही आल सबरी फिर अल्लाह ने आपको हुक्म दिया उस चीज़ को इख्तियार करने का जिससे आप मदद ले सकते हैं यसिन आप मदद ले सकते हैं अलीसब्री सबर करने पे यानि कि पिछली आयात में हुक्म दिया था कि आप सबर कीजिए बल्कि आयत तो एक ही है पिछली आयत कहना जो है ये दुरुस्त नहीं है आयत तो एक ही है यानी कि आयत नंबर थर्टी नाइन है थर्टी नाइन आयत जो है वही जारी है कि अल्लाह ताला ने उसके पहले हिस्से में क्या कहा फसवी अला मैलू कि आप सब्र कीजिए उसके बाद अल्लाह ने बताया कि सबर करने के लिए आप क्या क्या करें कैसे आप में सब्र आ सकता है सब्र करने के लिए किस चीज़ से आप मदद लें तो वो अल्लाह ने फिर यहाँ पे क्या हुक्म दिया कि आप तस्वीर बयान करें और यही अंदाज़ है सूर हिजर में सूर हिजर आयत नंबर सतानवे अट्ठानवे नन्यानवे नाइनटी सेवन नाइनटी एट नाइन्टी नाइन वहाँ पर आयात क्या है ज़रा सुनिएगा वालमू और अलबत्त तहक़ीक हम जानते हैं अल्लाह ताला कह रहे हैं वलकन आलमता तकी हम जानते हैं अन्ना का यदि को वदरों का कि बेशक आपका सीना तंग हो जाता है बीमा यकलूल उन बातों पर जो ये बातें करते हैं यही गुफ्तु यहाँ पर चल रही है सुरकाफ़ में और यही सुर हजर में अल्लाह तला कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि आपका सीना तंग हो जाता है इनकी बातों से इनके मशरकिन की बातों से कुलस की बातों से फसभ बमदुरबी का बस आप तस्बी बयान कीजिए अपने रब की हमद के साथ अल्लाह ताला जजाय खैर दे अब्दुल मोहसिन भाई को वो आयत आपके सामने ले आए हैं कि फसभ बह बमदुरबी का आप तस्बी बयान कीजिए अपने रब की हमद के साथ वकुन और हो जाइए मिनसाज़िदीन सैदा करने वालों में से इनके इलाज क्या बताया है सीना तंग हो जाए परेशान हो टेंशन का शिकार हो तो इलाज यह बताया है लेकिन अफसोस मैं और आप ऐसे इलाज को नजरअंदाज कर देते हैं यह इलाज है कि कसरत से अल्लाह की तस्वीर बयान कीजिए और तस्वीर भी अल्लाह की हम दो शना के साथ मिलाकर वकुमिन साजिदीन और सईदे कीजिए नमादें पढ़िए वाहबा का और अपने रब की इबादत करते रहिए हत्या ये अति कल यकीन यहां तक कि आपके पास यकीन आ जाए इनके मौत आ जाए तो जो अल्लाह अल्ला रबुल्ज़त ने सुर हिजर के आखिर में इन आयात में बयान किया है यही उन आयात में है जो अभी हम पढ़ रहे हैं एहत नंबर थर्टी नाइन सुरख काफ की एत नंबर थर्टी नाइन अब आइए वापस इमाम क्या कह रहे हैं कि सुम आमर हो फिर अल्लाह ने नबीसम को हुक्म दिया है बीमा यीन भी उस चीज़ को इख्तियार करने का जिससे आप मदद ले सकते हैं सबरी सब्र करने के मामले में तो वो क्या चीज़ है जी किस चीज़ का हुक्म दिया है वह व तस्बी हो और वह है तस्बी बयान करना भी हम दी रब भी अपने रब की हमदोसना के साथ यानी कि सुबहान अल्ला व भी हम दही ही दोनों को मिला के ये कि मैं अल्लाह की तस्वीर बयान करता हूँ अल्लाह की हमदोसना के साथ कब कब के नौकात में फरमाया कबल कबलू शमसी सूरजलु होने से पहले वबल गूब यहा और उसके गलूब होने से पहले सूरज के गलूब होने से पहले व बिल और रात में व अदबार सजूद और सईदों के बाद के अकात में यहाँ पे तस्वीर और हमद से क्या मुराद है आइए इसके लिए नबी अलीसम की एक हदीस की जानब रुजू करती हैं और ये हदीस बुखारी शी में इसका नंबर है चार हजार आठ सौ इक्यावन फोर एट फाइव वन रावी है इस अदीस के जिनाबे जरीर बिन अबली कहते हैं कि चौदहवीं रात का चांद चमक रहा था तो फरमाया उसको देख कर नबी अली सात ने इन नकुम न रब कमातरऊ नहादा तुम अपने रब को ऐसे ही देखोगे जैसे तुम इसको देख रहे हो किसको इस चांद को ल तो गामू नफी रो तुम्हें देखने के मामले में किसी मुशक्क़त का भीड़ का रश का सामना नहीं करना पड़ेगा फ़िनस्ता तुम अल्लाबूसिन कबल शमसबल गुबी फ़फ़ाल तो अगर तुम्हारे लिए मुमकिन हो कि कोई तुम पे गालब ना आने पाए उस नमाज के मामले में जो सूरज होने से पहले की जाती है वो कौन सी है नमाज फजर व वबल रूबिहा और उस नमाज के मामले में जो सूरज गरूब होने से पहले अदा की जाती है वो कौन सी है नमाज असर फफ आलू तो, तो तुम ये काम करो अच्छा आप देखें आपने हुक्म किस चीज़ का दिया है कि अगर तुम अल्लाह का दीदार करना चाहते हो अल्लाह की जियारत करना चाहते हो तो ये बाकी नमाजों के साथ साथ इन दो नमाज़ों का ख़ास अहतमाम करो एक वो नमाज सरतल होने से पहले अदा की जाती है फ़जर और एक वो जो गलूब होने से पहले असर और फिर आपने अपने इस मौक़ की तइद में अपनी इस अदीस की तइद में कुरान की तलावत की और ये पढ़ी जो अभी हम पढ़ रहे हैं क्या वसब्बरबी का कबलशमसबलूब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सूरज सुरु होने से पहले गलूब होने से पहले अपने रब की हमदो शना के साथ साथ तस्वीर बयान कीजिए मैंने यह हदीस आपके सामने क्यों रखी है यह बताने के लिए कि इस हदीस से पता चला जो इस ऐद की तफसीर कर रही है कि तस्बी हम से मुराद यहां पर नमाज अदा करना है बसा अवकात नमाज के ऊपर लफ्ज सईदा बोल दिया जाता है जैसा कि उस ऐत में बोला गया जो अभी हम पढ़ रहे थे सूरहर की ऐत कि वह मिन साजिदीन और आप हो जाइए सईदा करने वालों में से मुराद मुरादिया कि नमाजें पढ़ा करें और कभी नमाज को रुकू कहा जाता है जैसा कि अल्लाह ताला कहते हैं वर का और रुकू करो रुकू करने वालों के साथ मिलकर क्योंकि ये चीजें नमाज की अहम चीज़ें हैं और जैसे सूरह फातिहा को सलाद कह दिया गया है तो ऐसे ही नमाज की एक अहम चीज क्या है अल्लाह की तस्वीर और अल्लाह की हमदो सुना आप नमाज के शुरू में क्या कहते हैं सुबह नमदिका व तबार कस्मों का वत आला ज़द्दू का ये क्या है अल्लाह की तस्वीर हम दो सईदे में आप क्या कहते हैं सुबह नब्बा भी हमदली तस्वीर और हमदोसना रकू में भी यही आप पढ़ते हैं तो अल्लाह नमाज नाम है तलावत के साथ साथ अल्लाह की तस्वीर बयान करने का अल्लाह की हमदोसनाह बयान करने का तो इसलिए यहाँ पर जो तस्वीर हमद का लफ्त बोला गया किसपे बोला गया नमाज पे किससे पता चला इस हदीज़ के जरिए जो भी मैंने आपके सामने रखी है तो गोया कि अल्लाह ताला ने जैसे सोनः हिजर में आपको हुक्म दिया है कि आप अल्लाह की तस्वीर और हमद बयान करें और सईदा करने वालों में से हो जाए ऐसे ही अल्लाह ती यहां पर कह रहे हैं कि आप अल्लाह की तस्वीर बयान कीजिए हमदोसना के साथ मिलाकर कब सुर होने से पहले ये कौन सी नमाद हो गई नमाज फदर वह कबल गलूब ही है और उसके गरूब होने से पहले असर की नमाज इसमें आ गई और आप कह सकते हैं कि जोर की भी आ गई इसमें कितनी नमाजें हो गई तीन विल ले ली और रात में भी इसमें कौन सी नमादें आ जाएंगी मगरब की ईशा की और दीगर नमाजें भी वह अदबार सजूद और सईदों के बाद के अवात में भी यही काम कीजिए कौन सा काम नमाज अदा करने का अब सवाल पैदा हो गया कि वह अदबार से मुराद कौन सी नमाज है सईदों के बाद भी इससे मुराद कौन सी नमाज है फकीला तो कहा गया है इनके पहला कौल बयान करने लगे हैं इमाम रहमला फकीला तो कहा गया है कि इससे मुराद क्या है नमाद वित्र वकीला और कहा गया है दूसरा कौल अर्रक बादल मगरब वो दो रखते हैं जो मगरब के बाद अदा की जाती हैं कितने कौल हो गए दो कॉल पहला कौल क्या कि वह अदबार सजूद कि ये जो कहा गया है सईदों के बाद के अवत में भी तस्बीर और हमद बयान दिए यानी कि नमाज़ पढ़िए इससे मुराद क्या है नमाद वितर और दूसरा कॉल यह है कि इससे मुराद ये है कि वो दो रखते हैं जो मगरब के बाद होती हैं कऊलुबन अब्बास पहला जो कौल है वह अब्दुल्ला इबन अब्बास रद्ह नुमा का कौल है ये कि जो पहली तफसीर है कि नमाज़ वितर इससे मुराद है ये तफसीर किसकी तरफ़ से अब्दुल्ला इबन अब्बास की तरफ से वसानी और जो दूसरा कौल है दूसरा कौल क्या है कि इससे मुराद मगरब के बाद जो दो रखते हैं अदा करते हैं दो सुनते हैं अदा करते हैं वो मुरादें तो इमाम कहते हैं वसानी ये जो दूसरा कौल है अलमर ये जनाब उमर का कौल है उम्र उमर उम्र बिन ख़ाब रदी अल्ल व आली और ये जनाब अली का कौल है जो हमारे चौथे खलीफ़ राशिद हैं वी हरई रहता और ये जनाब अबूर का, का कौल है व हसन अबिनली गिन और यह जनाब हसन बिन अली रदीनम का कौल है आप देखिए यहाँ पे जनाब अली का तस्करा भी आ गया उनके बेटे हसन का तस्करा भी आ गया तो पता चला इमाम इम्नकैम रिमल्ला और दीगर आईम हदीस अयम तफसीर जिस तरह साहब के नाम से मोहब्बत करते हैं ऐसे ही से भी मोहब्बत करते हैं उनके अकवाल बयान करते हैं वाहदर रिवायत यानी इबन अब्बास और ये जो दूसरा कौल है ये जनाब उमर का भी कौल है अली का भी अबू रहरा का भी हसन का भी और अब्दुल्ल इबन अब्बा से बयान करदा दो रवायतों में से एक रवायत है एहदा एक है रिवायतनी दो रवायतों में से बिन नबा से इनके लेकिन बिन नबाश का एक कौल पहले गुजर गया कि अदबार से मुराद नमाद फितर है कहते हैं एक और कौल भी है बिन अबास का एक और रवायत भी है कुछ लोग कहते हैं कि बिन अब्बास ने कहा था कि इससे मुराद मगरब के बाद वाली दो रखते हैं अच्छा जी अब ये जो तो अब्दुल्ल अबिन अब्बास की तरफ दूसरा कॉल मंसूब किया गया है तो इस बारे में तिरमदी शरीफ में रवायत आती है और उसका नंबर है तीन हजार दो सौ पचहत्तर थ्री टू सेवन फाइव और उस रवायत में अब्दुल्ल्यबिन अब्बास ने ये नहीं कहा कि मेरा कॉल है मेरा मौकाफ़ है वो कहते हैं अल्लाह के रसूल ने कहा तो वो अल्लाह के रसूल की तरफ नस्बत करते हैं और उससे पता चलता है कि इससे मुराद क्या है मगरब के बाद की दो रखते हैं लेकिन वो जो रवायत है वो नबी अली से सबत नहीं है बल्कि ज़ीफ़ है शेख अलबानी राही ने भी उसको ज़यीफ़ करार दिया है तो बहरहल दो कॉल हो चुके हैं आगे चलिए वानिबन अब्बास रिवायत और अब्दुल्लाबन अब्बास से एक तीसरी रिवायत है वो क्या है कि अन्नाह तस्वी हिलान इससे मुराद है जुबान के साथ तस्वीर बयान करना जुबान के साथ इनके पहले हम क्या कह रहे थे कि तस्वीर से मुराद है नमाज पढ़ना अब तीसरा तीसरी जो रवायत है उसमें क्या कि अन् नहु तस्बी बिल्लिसान इससे मुराद है जुबान के साथ तस्वीर बयान करना सुबहान अल्लाह कहना सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कब कहना अदबार सलवात ममकतूबात फ़र्ज नमाजों के बाद यानी कि जो अल्लाह ने कहा है कि वह अदबार सजूद और सईदों के बाद के औकात में भी तो इससे मुराद इस रवायत के मुताबिक नमाज नहीं है बल्कि इससे मुराद यह कि नमाज के बाद बैठ के अल्लाह का जिक्र किया करें तस्बीहा पढ़ा करें तैंतीस मरतबा कहीं सुबहान अल्लाह तैंतीस मरतबा कहीं अलहमद चौंतीस तो तो मरतबा कहीं अल्लाह अकबर तो ये मुराद है इससे ए, लेकिन ये जो तीसरी रिवायत अब्दुल इमाम ने बयान की है ये उन्होंने कहाँ से ली है तफसीर तबरी से तफसीर इबन कसीर से और ये सही बुखारी में भी आती है सही बुखारी में इसका नंबर है चार हजार आठ सौ बावन फोर एट फाइव टू और सही बुखारी में जब मैंने इसके अल्फाज देखे तो वो क्या थे कॉल इबन अब्बास अब्बास कहते हैं आमारा हू अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि सब भी हा, कि आप तस्बी करें फिर अदबारिहा तमाम नमाजों के बाद तो यहाँ पे ये नहीं आया कि जुबान के साथ बुखारी के सवैत में ये नहीं है कि जुबान के साथ तो अब्दुल्लाबिन अब्बास के नल्फाज से यहां पर भी मुराद नमाजें ली जा सकती हैं मतलब हो जाएगा कि हर फर्द नमाज के बाद जो नफल पढ़े जाते हैं वो आप पढ़ा करें जो सुनते हैं पढ़ी जाती हैं वो आप पढ़ा करें अच्छा यहां पर कौल और है जिसका तस्करा इमाम इमामी ने नहीं किया वो कौल किसका है इबन जैद का अब्दुलरहमान बिन जैद बिन असलम वो कहते हैं कि इससे मुराद क्या है नफली नमाजें हर नमाज के बाद जो नफल नमाजे हैं सुनते हैं वो पढ़ा करें अच्छा अब इतने कौल हो गए अब इन अकवाल में से कौन सा कौल हमने लेना है तो क़ुरान के अल्फाज आम हैं वादबार, सजूद और सईदों के बाद भी, तो हम कहेंगे इससे मुराद नमाज वितर भी है क्योंकि वो सईदों के बाद है इनके नमाज ईशा के बाद सईदों से मुराद नमाज ईशा तो नमाज इनके सईदों के बाद मुराद क्या हो जाएगा फ़र्द नमाज़ इनके तो फ़र्द नमाज के बाद भी आप पढ़ें क्या वितर पढ़ें और फ़र्द नमाज के बाद क्या पढ़ें मगरब के बाद वाली दो रुकते पढ़ें और फ़र्द नमाज के बाद क्या पढ़ें आप तमाम नमाजों के बाद जो सुनते हैं नफल पाए जाते हैं वो पढ़ें तो पता चला इन तमाम अखबाल में कोई टकराव नहीं है कोई तजाद नहीं है बिल्कुल सब ठीक है अल्लाह ने कहा वार सजूद सईदों के बाद यानी कि फ़र्द नमाजों के बाद बी अल्लाह की तस्वीर करें और हमद करें यानी कि फर्द नमादों के बाद भी नमादें पढ़ें नमादें वितर पढ़ें मगर उनके बाद की दो रखते पड़ें और तमाम फर्द नमादों के बाद जो सुनते पाई जाती हैं नफल पाई जाती हैं वो पढ़ें उसके बाद आयत नंबर इकतालीस आयत नंबर इकतालीस है व समय युनादिल मुनाद मिम मकान इन करीब व समय और आप गौर से सुने उस दिन युनादिल मुनादी जिस दिन ऐलान करने वाला ऐलान करेगा आवाज देने वाला आवाज देगा मिम मकान इन करीब करीबी जगह से यहां पे किस चीज का बयान हो रहा है यहां पे तस्करा हो रहा है इस बात का कि क्यामत कैम होगी और आवाज लगाई जाएगी और कबरों से निकलने वाला हर शख्स समझेगा कि आवाज मेरे करीब से ही आ रही है कोई ये नहीं समझेगा कि आवाज कहीं दूर से आ रही है तो ये क्यामत का अभियान हो रहा है तो आइए इमाम रही की तरफ वो कहते हैं सुम खाता मसूर फिर अल्लाह ताला ने सूरत का अख्ताम किया है बेजिक आमद का तस्करा करके व निदा मुनादी और इस बात का तस्करा करके के ऐलान करने वाला मुनादी ऐलान करने वाला आवाज देने वाला निदा आवाज़ को, को कहते हैं ान को कहते हैं अल्लाह ने तस्करा अल्लाह ने सूरत का अखता किया है आमद का तस्करा करके वनिदा इल्मुनादी और ऐलान करने वाले की इस ऐलान का तस्करा करके कौन सा ऐलान बिर के रूहें लौटे इलाज सादिया अपने अपने जिस्म की तरफ लिलहशरी मिदान हशर के लिए यानी कि यह ऐलान होगा कि रूहें जो है वो अपने अपने जिस्म में पहुंच जाए पहुंच रही है क्यों ताकि हशर कैम किया जाए लोगों को जमा किया जाए इकट्ठा किया जाए मैदान में अखबारा और अल्लाह ने बताया कि अन नहाद कि ये जो आवाज़ है मकान इन करीब करीबी जगह से आ रही होगी यस माहू इसको सुनेगा अहदिन हर एक तो ये कौन सी एत थी ऐत नंबर इकतालीस फोर्टी वन उसके बाद आयत नंबर फोर्टी टू यउमाउन सै तबिल हक उस दिन वो सुनेंगे असै चीख को बिलहक की कौन सी चीख हक वाली चीख अब आइए इमाम रही की तरफ तो वो कहते हैं कि यऊ में इसमाउन असैया था उस वो सुनेंगे असईहा चीख़ को बिलहक़ की हक की चीख़ होगी क्या मतलब बिल कब्रों क़बरों से उठाए जाने की चीख होगी इल्ला और अल्लाह से मुलाकात करने के बारे में चीख़ होगी इनकी आवाज़ लगाई जाएगी आवाज में क्या बताया जाएगा कि क़्यामत कैम हो रही है और अल्लाह से मुलाकात होने वाली है तो बिलहक की तफसीर जो इमाम रही ने की है वो क्या है बिल कि वो चीख वो आवाज इस चीज की होगी कि बिल ही लोग उठें कब्रों से मलिका और अल्लाह के सामने आए अल्लाह से मुलाकात करें उसके बाद है जी आयत नंबर आयत नंबर चवालीस फोर्टी फोर और फोर्टी थ्री को इमाम इब्न ने शायद छोड़ दिया है वो मैं पढ़ देता हूं वैसे कि इन्ना लहनईवन उम्मीद इन्ना व नुमीत बेशक हम ही जिंदा करते हैं और हम ही मौत देते हैं मसीर और हमारे पास सब ने लौट कर आना है तो उसके बाद इमाम साहब लेकर आए हैं आयत नंबर चवालीस फोर्टी फोर वह क्या है वो भी पढ़ लें यूमदशक काहा उस दिन जमीन फटेगी आन हम इन लोगों से सिरान इस साल में के लोग तेज तेज चल रहे होंगे क्या मतलब जमीन फटेगी क्यों फटेगी क्योंकि लोग निकल रहे होंगे जैसे जमीन से पौधे निकलते हैं तो जमीन फटती है दरख्त निकलते हैं तो जमीन फटती है ऐसे जमीन फटेगी उस दिन जालिक हशरुन ये जो हशरुन जमा करना अलैना हमारे लिए यसीर बहुत आसान है अब आइए इमाम रम्ह की तरफ कहते हैं यउमत शक्र्दान उस दिन ज़मीन उनसे फटेगी कमात शक्न नबाती जैसा कि ज़मीन फटती अनिन नबाती पौधे की वजह से पौधों की वजह से फैलूना चुनाचे लोग निकलेंगे सरा अन याल में के तेज तेज चल रहे होंगे मिन गैरी मोहलतिन बग़ैर किसी मोहलत के वालाबुन बगैर किसी सुस्ती के शर उन यसिर ये जमा करना यसर बहुत आसान है आलही सुबहानहू अल्लाह सुबहानहू के लिए अल्लाह त लिए काम करना बहुत आसान है उसके बाद आयत नंबर पैतालीस और यह आखिरी आयत है फोर्टी फाइव पहले तर्जुमा सुन लें नाहन आलम अल्लाह तह रहे हम अच्छी तरह जानते हैं बेमा यकुल उन बातों को जो ये बातें करते हैं जो ये बातें कहते हैं यानी कि जो जो ये दीन का मजाक उड़ाते हैं जो कुफर करते हैं तकदीब करते हैं अल्लाह के रसूल का मजाक उड़ाते हैं आखिर का मजाक उड़ाते हैं कहते हैं हम सब जानते हैं तो इसमें क्या धमकी है तो हम जानते हैं उन बातों को जो ये कहते हैं वमा अन ताली हिम बिजार और आप इन पर कोई जबरदस्ती करने वाले नहीं हैं वमाँ का मना क्या नहीं और बी जब्बार की बात जो है ये इसको कहते हैं जायदा इसलिए इसका मना करते हैं ताक़ीद वाला कि आप बिल्कुल भी उन पर ज़बरदस्ती करने वाले नहीं है फदकिर तो आप नसीहत कीजिए बिल्कुल आनी कुरान के साथ मैं ख़ाफ़ू उसको जो डरे वही मेरे अजाब के वादे और धमकी से मेरे अजाब की वार्निंग से अब आइए इमाम की तरफ कहते हैं सुम अकबर सुबहान फिर अल्लाह सुबहानु ने बताया है आलिमुन कि वो जानता है बेमा यकूल आदाऊ उन बातों को जो बातें कहते हैं आदा उसके दुश्मन अल्लाह के दुश्मन तो ये इस बात का मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि यह धमकी दी जा रही है इसका मतलब यह कि तुम्हें तो सजा मिलेगी तो इसलिए मामल कम कहते हैं वजालिका और ये जो अल्फाज हैं यह तो मुश्तमिल हैं मुजाजा उनको मुजा आजा यह मुश्तमिल है मुजा आजा अल्लाह ताला की तरफ से सजा देने को जजा देने को लहुम इन इनको यह अल्फाज बता रहे हैं कि अल्लाह ताला इनको सजा देगा मुजा आजा हु से मुराद कौन तो है अल्लाह ताला तो यह तम मुश्तमिल हैं ये जो अल्फाज है। हैं ये मुश्तमिल हैं मुजा अल्लाह ताला की तरफ से जजा दिए जाने को लहुम इनको बहिम इनकी इन बातों पर क्योंकि लम यकफा अली क्योंकि ये बातें अल्लाह ताला से मखफी नहीं हैं पोशीदा नहीं हैं वह व सुबहान और अल्लाह ताला तलाक्र तस्करा की अल्लाह ताला तस्करा करते हैं इल्म हो अपने इल्म का वुदरत अपनी कुदरत का तहक़ीक जजाई सजा को देने के लिए तो अल्लाह ताली बताते हैं कि मैं जानता हूँ इसलिए सजा दूंगा अल्लाह तला तो बताते हैं कि मैं कादर और कदीर हूँ इसका मतलब है कि मैं सजा दूंगा जो बुरे आमाल दुनिया में कर रहे हो उनका उनकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी सुम हो फिर अल्लाह ने बताया है इसी ऐत में ही हीसा बी मुसलिन के बेशक वो वो कौन वो नबी अली तो मुसलतिनिम आप उनके ऊपर मुसलत नहीं हैं आपको उन पर मुसलत नहीं किया गया वला कहार और ना आप जबरदस्ती करने वाले हैं वलम आपको नहीं भेजा गया था ताकि आप उनको मजबूर करें अल्स्लामी इस्लाम कबूल करने पर व रिहा हूँ मालै ही और उनको इस बात पर मजबूर करें दोनों का माना एक ही है इनके आप उन पर ज़बरदस्ती करें और आप उनको मजबूर करें आपको इसलिए नहीं भेजा गया जैसा कि अल्लाह ने कहा है दूसरी जगह लाइक रहा फिर दीन के दीन के मामले में ज़बरदस्ती नहीं है और यहाँ पर ये बािर में रहे कोई गलफहमी ना हो जाए कोई दीन कबूल करे ना करे इसमें जबरदस्ती नहीं है तरगीब दी जाएगी आमादा किया जाएगा लेकिन जबरदस्ती नहीं की जाएगी लेकिन जो इस्लाम कबूल कर ले फिर नमाज ना पढ़े उस पर ज़बरदस्ती इस्लामी हुकूमत करेगी रोदे ना रखे इस्लामीकूमत ज़बरस्ती करेगी जकवात ना दे इस्लामी ज़बरस्ती करेगी ये बात फिर सुन लें अखबारा, फिर अल्लाह ताला ने अखबर हूँ आपको बताया कि अल्लाहू के बेशक आप लि मुसलिन आपको उन पर मुसलत नहीं किया गया वला कहार और ना आपकी ज़बरदस्ती करने वाले हैं वलम युब बास और आपको नहीं भेजा गया इसलिए कि युज बहुमिल्साम क्या आप उनको मजबूर करें इस्लाम पे व युकम ही और आप उन पर ज़बरदस्ती करें आई ही इस मसले में वामा रहूँ और अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है कि आप नसीहत करें बे ही अल्लाह के कलाम के साथ अल्लाह के कुरान के साथ नसीहत करें किस को मन यॉफू जो डरे हो अल्लाह तला की वार्नंग से अल्लाह की धमकी से अल्लाह की वईद से क्यों जी नसीहत उसको क्यों करनी बाकी लोगों को क्यों नहीं करनी फरमाते हैं फाहूल क्योंकि वही है वो अल्लदी एन जो फ़ायदा उठाता है बेतदीर नसीहत से यानी कि वैसे तो आपकी नसीहत सब के लिए है लेकिन अल्लाह ने यहां पे कहा कि कुरान के दिन नसीहत उसको करें जो डरता हो यानी फायदा वो उठाएगा फायदा यही उठाएगा बाकी लोगों को बाकी लोग फायदा उठाने वाले नहीं है वह अम्मा मल्ला यो मिनु बिलका रहा वो शख्स मल्ला यू मिनु जो ईमान नहीं लाता बिलका ही उसकी मुलाकात पे किसकी अल्लाह की मुलाकात पे कि अल्लाह से मुलाकात एक दिन होगी कि आमद क़ैम होगी आख़त क़ैम होगी जो अल्लाह की मुलाकात पर नहीं लाता वला ख़ाफो वईद और नहीं डरता वईद उसकी वईद से उसके अजाब की धमकी से उसके अजाब की वार्निंग से वला यर्जु षवा और ना ही उम्मीद रखता है वाबाह उसकी तरफ़ से मिलने वाले वाब की फ़लाफ़ी बे तदक तो ये नहीं फ़ायदा उठाएगा बे तदकरी नसीहत से तो नसीहत से फ़ायदा वो उठाएगा जिसको पता है कि मैंने नसीहत कबूल ना की तो अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा? अल्लाह के जब से कैसे बच सकूंगा? नसीहत वो कबूल करेगा जिसको उम्मीद हो कि नसीहत कबूल की तो मुझे सवाब मिलेगा जन्नत मिलेगी तो इसके साथ ही काफ़ अपने अख्ताम को पहुँची अल्लाह रबुल्ज़त हमें इस सूरज से फ़ायदा उठाने की तोफ़ी दे इसको सही मानों में समझने की तोफ़ी दे और अल्लाह आप सबको ज़दाय खैर दे कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्क़त दिया अल्लाह के कलाम को और अल्लाह ताला इमाम की क़बर पे अपनी रहमतें नाज़ल फ़रमाए जिन्होंने ये अज़ीमशान तफसर हमारे सामने रखी उसके बाद जो मौजू होगा मैं जल्दी से बस मौ बता दूँ ताकि आपको पता चले कि कितना अहम मौजू आ रहा है आइंदा के दर्स में वो ये है कि हदीस आती है कि नबी अलीस्म ने कहा था जनाब उमर फलूक से कि हातब जो सहाबी है इन्होंने अगरचे हमारा राज निकाला है अल मक्का को राज देने की कोशिश की है लेकिन हम इनको कत्ल नहीं करेंगे उमर फलूक कहते थे कि इनको कत्ल किया जाए आपने कहा नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने बदर की लड़ाई में हिस्सा लिया है और बदर में की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले साहबा के इतने अजीम हैं कि अल्लाह ने कहा एमलुमाशी तुम तुम जो चाहो अमल करो फ़कत लकुम मैंने तुमको माफ़ कर दिया है इमाम रही कहते हैं कि बहुत से लोगों को इससे शिकाल पैदा हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ने इनको आज आज़ादी दे दी छुट्टी दे दी जो मर्दी करो इनके चाहे गुनाह करते रहें जो मर्दी करते रहें नमाज़ें ना पढ़ें ज़कात ना दें ठीक है ये पक्के बख्शे बख्शाए हो गए तो इन अल्फाज को समझने में कई लोगों को गलतफहमी हुई है तो इमामक़ीम र्ला हमें समझाने की कोशिश करेंगे कि इस हदीस का सही मफ़ूम क्या है अल्लाह रबुल्ज़त हम सब ए, कुरान व हदीस सबने की तोफ़ी नियात फरमाए और जिस को शौक़ से आप दरस में शरीक हो रहे हैं होते रहिए और आइंदा दरसा आप जान चुके हैं कि मौजूदा वक़्त से आधा घंटा पहले शुरू होगा और आधा घंटा पहले ही अपने अख्ताम को पहुँचेगा अल्लाह आप सबको जुजा खैर दे वल्त तबीना महमद वाली वसाब ही अजमाइन